Hello everyone and welcome back to another case study video. You must heard the name of the famous American Zodiac Killer, जो लोगों को मारने के बाद एक पजल छोड़कर चला जाता था और उस पजल को सॉल्व करने के बाद ही आप उस तक पहुंच पाओगे. एंड आज का केस भी कुछ ऐसा ही है, बट दिस टाइम नॉट इन अमेरिका बट इन दिल्ली इंडिया. वो कई सारे मर्डर्स करके उन डेड बॉडीज के साथ एक लेटर छोड़कर चला जाता था एंड दीज लेटर्स shocked the entire country. So without any wasting of time, let's dive into this case and discover the truth about serial killer of Delhi. Delhi Tihar Jail, 20 अक्टूबर 2006 सुबह के करीब 6:30 पर दिल्ली के असिस्टेंट कमिश्नर सुंदर सिंह यादव जी को एक कॉल आता है. कॉल पर एक अननोन पर्सन उन्हें ये बोलता है कि तूने अपने दो आदमी लगा रखे हैं और वो साले कुछ भी नहीं कर रहे हैं. मैंने एक गिफ्ट तिहार जेल के गेट नंबर 3 के ठीक सामने रखा है, जाकर देख. सो इतना बोलने के बाद ही वो अननोन पर्सन कॉल को कट कर देता है. देन सुंदर सिंह यादव वो एक हेड कांस्टेबल को बोलते हैं कि तिहार जेल के गेट नंबर 3 के पास जाकर चेक करो, क्या वहां पर कुछ रखा तो नहीं है. हेड कांस्टेबल जैसे ही जाकर चेक करते हैं तब उन्हें वहां पर एक टोकरी रखी मिलती है, लाइक अ फ्रूट बास्केट. और जब जैसे ही उन्होंने उस टोकरी को ओपन करके देखा तब उन्हें उसमें एक डेड बॉडी मिलती है. उस टोकरी में जिस पर्सन का डेड बॉडी था उसके गर्दन कटे हुए थे. उस टोकरी में उस पर्सन का सर था ही नहीं, उसके हाथ पैर कटे हुए मिलते हैं. उस डेड बॉडी को न्यूज़पेपर और कपड़ों से ढककर रखा गया था और उन टुकड़ों को प्लास्टिक से अच्छी तरह रैप करके रखा गया ताकि खून का कोई भी कतरा टोकरी से बाहर ना पाए. और इसके साथ ही साथ उन्हें उस टोकरी में एक लेटर भी मिलती है. सो पुलिस जैसे ही उस लेटर को ओपन करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बहुत ही गंदी गंदी गालियां लिखी गई थी दिल्ली पुलिस को. और उस लेटर में ये लिखा था कि अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा हूँ, लेकिन अब मैं हकीकत में मर्डर किया हूँ. तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे. मैं कोई गैंगवार नहीं हूँ कि मुझे केस खुलने का डर लगा रहेगा. अगर इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सके तो पकड़ कर दिखाओ. तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और जीजा जी सीसी. And about only 2 hours later, not giving the police much time to react, वो unknown person पुलिस को फिर से कॉल करता है sure होने के लिए कि क्या investigation शुरू हुई भी है या नहीं. उसी दिन सुबह 8:45 पर इंस्पेक्टर बालकिशन जी के पास एक कॉल आता है. कॉल पर वो unknown person बालकिशन जी को कहता है कि क्या किया तुमने, कुछ किया तुमने बॉडी का. बालकिशन बोलते हैं कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला, अपना SHO का मुझे नंबर दो. सो उन्होंने SHO होशियार सिंह जी का नंबर दे दिया और अब वो SHO को कॉल करता है. एंड होशियार सिंह जी जब उससे मर्डर करने का मोटिव पूछते हैं तब वो उन्हें बताता है कि ये जो हेड कांस्टेबल बलबीर है, इसकी ड्यूटी तिहार जेल के गेट नंबर 3 के सामने है. उसने मेरे साथ जेल में ज्यादती की थी. एंड इसके बाद वो बोलता है कि टोकरी में जो अभी तुम्हें गिफ्ट मिली है अब वो और लगातार आती रहेगी. एंड देन ही कट द कॉल. तिहार जेल, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट जेल. जेल के पास तैनात इतने सारे पुलिस होने के बावजूद वो जेल के गेट नंबर 3 पर एक डेड बॉडी रखता है. एंड पुलिस वालों को वो खुद से ही चैलेंज करता है कि मुझे पकड़ कर दिखाओ. ये जो कोई भी था वो अच्छी तरह से जानता था कि वो क्या कर रहा है एंड इसका अंजाम क्या होने वाला है. सो लेटर्स में जिस तरह से वर्ड्स लिखे गए थे, मैंने मर्डर किए हूँ और मैं कोई गैंगवार नहीं हूँ. पुलिस के अकॉर्डिंग जिसने भी ये लेटर लिखा था, लेटर्स में जिस तरह के वर्ड्स लिखे गए थे वैसे लैंग्वेज ज्यादातर बिहार के लोगों द्वारा यूज किया जाता है. सो दे वर एक्सपेक्टिंग दैट हूएवर दिस गाय वाज ही वुड बिलोंग टू बिहार. इतना ही नहीं, उसने लेटर्स में ये भी लिखा था कि 2003 के नवंबर महीने में मैंने एक और मर्डर करके डेड बॉडी डाली थी, उसका भी तुम लोग कुछ नहीं कर सके. सो अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस दिल्ली में ये पता करती है कि क्या 2003 में सेम पैटर्न में ऐसा ही कोई मर्डर हुआ था. एंड देन दे ऑल वेयर शॉक्ड बिकॉज 2003 के नवंबर महीने में तिहार जेल के गेट नंबर 3 के थोड़ी दूरी पर गेट नंबर 1 के पास एक डेड बॉडी मिली थी. बट वो केस अब बंद हो चुका था क्योंकि 2003 में उन्हें जो डेड बॉडी मिली थी उसका सर कटा हुआ था. सर था ही नहीं, इसीलिए ना ही विक्टिम का पता चल पाया कि वो लाश आखिर थी किसकी. और तो और ये भी पता नहीं चल पाया कि उसका मर्डर करने वाला कौन था.
और अब अक्टूबर 2006 में जो डेड बॉडी मिलती है, दोनों के मर्डर करने का पैटर्न सेम था। सो इन्वेस्टिगेटर्स ये समझ चुके थे कि ये अननोन पर्सन कोई आम बंदा नहीं है, तो अब वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। वो उसके फोन कॉल को ट्रैक करते हैं, तो उन्हें ये पता चलता है कि सुबह 6:30 पर जो कॉल आया था वो तिहार जेल से ठीक 3 किलोमीटर दूर नंगल राया नाम के इलाके से आई थी और दूसरी कॉल 8:45 पर तिलक नगर के स्टडी कॉल से आई थी। पुलिस दोनों ही लोकेशन पर जाती है। उन्हें नंगल राया से तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट तिलक नगर के स्टडी के पास वाले शॉप से पुलिस जब पूछती है कि सुबह से अब तक कितने लोगों ने यहाँ पर फोन कॉल यूज किया है, तब वो शॉप का ओनर बताता है कि सुबह से अब तक सिर्फ एक आदमी ही कॉल करने आया था। वो रंग में थोड़ा सांवला था और यही 28 से 30 उसकी उम्र होगी। सो इसके बाद पुलिस उस शॉप के ओनर से उसकी स्केच भी बनवाते हैं। एंड इफ यू गाइस रिमेम्बर कि उसने कॉल पे बताया था, ये जो हेड कांस्टेबल बलबीर है, इसकी ड्यूटी तिहार जेल के गेट नंबर 3 के सामने है, उसने मेरे साथ जेल में ज्यादती की थी। तो पुलिस अब ये पता करती है कि बलबीर की पोस्टिंग जेल में किस किस जगह पर रह चुकी थी। तो उन्हें ये पता लगा कि बलबीर की पोस्टिंग जेल नंबर 3 में थी और उस सेल में एक साथ बहुत से प्रिजनर रहते थे। सो पुलिस अब ये पता करती है कि उस सेल में 25 से लेकर 35 साल के बिहार के कितने प्रिजनर बलबीर के पोस्टिंग के वक्त अरेस्ट थे। तो उनके पास 30 से 35 लोगों की एक लिस्ट आती है, बट उधर से भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता है। और ऐसे ही अब पूरे 6 महीने बीत जाते हैं। पुलिस को ना ही उस सीरियल किलर और ना ही उन विक्टिम्स के बारे में कुछ भी अब तक पता चल पाया था। 25 अप्रैल 2007 तिहार जेल के गेट नंबर 3 पर पुलिस को एक और टोकरी रखी हुई मिलती है और इस बार भी उस टोकरी में एक डेड बॉडी थी। एंड दे ऑल वेयर शॉक बिकॉज जो डेड बॉडी उसने पहले जिस जगह पर रखे थे, इस बार भी उसने सेम वही लोकेशन पे रखी, 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं थी। और उस डेड बॉडी को टोकरी में इतना ज्यादा टाइटली बांधकर रखा गया था कि उन पुलिस वालों से उसकी रस्सी खुल भी नहीं पा रही थी। देखते ही देखते अब पुलिस और लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। एंड द वेरी मोमेंट उसी भीड़ में से एक शख्स आगे आता है और पुलिस से कहता है कि आप लोग पीछे हटो, मैं रस्सियों को खोलता हूँ। वो अपने जेब से एक छोटी सी छुरी निकालकर रस्सियों को काट देता है और फिर वो वहां से चला जाता है। पुलिस जब उस टोकरी को ओपन करती है तो उन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। जो फर्स्ट डेड बॉडी पुलिस को मिली थी उस टोकरी में उस शख्स का सर नहीं था, बट इस बार जो उन्हें सेकंड डेड बॉडी मिलती है उसका सर, हाथ, पैर और तो और प्राइवेट पार्ट्स तक कटे हुए थे और इस बार उस टोकरी में कोई भी लेटर्स नहीं थी। फिर इसके कुछ घंटों के बाद ही उस अननोन पर्सन का कॉल फिर से आता है। वो कॉल पर पुलिस को बताता है कि उस डेड बॉडी के पार्ट्स 30 हजारी कोट के पास मिलेगी। सो देन पुलिस को 30 हजारी कोट के पास से उस डेड बॉडी के पार्ट्स मिल जाते हैं, बट उस डेड बॉडी का सर अभी नहीं मिला था कि जिससे पुलिस ये पहचान कर सकी कि वो लाश आखिर है किस। जब ये सारी इंसिडेंट्स हो रही थी तब उस वक्त दिल्ली में इतने सारे कैमराज नहीं लगे थे, उनके पास ज्यादा सोर्सेस नहीं थी कि वो डेड बॉडी की पहचान कर सके। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये तक पता नहीं चल पा रही थी कि ये विक्टिम्स आखिर है कौन, और एक्यूज का पता लगाना मानो उनके लिए नामुमकिन जैसा था। पुलिस के ऊपर अब प्रेशर बढ़ती जाती है। एंड देन उस इलाके के आसपास जितने भी सारे पुलिस स्टेशन थी उन सबको इस क्राइम को सॉल्व करने में लगा दिया गया, क्योंकि ये सीधा सीधा पुलिस के लिए एक चैलेंज था। दे नोज इट वेरी वेल, द मोर टाइम इट टेक्स टू क्रैक द मोर मर्डर द एक्यूज्ड वुड कमिट। इट वॉज लाइक यू आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम ट्राइंग टू सेव अनदर इनोसेंट पर्सन हू मे फॉल विक्टिम्स टू हिज सीरीज ऑफ क्राइम्स। इन्वेस्टिगेशन अब भी चल ही रही थी कि इतने में ही 18 मई 2007 को तिहार जेल के गेट नंबर 3 पर एक और टोकरी रखी हुई मिलती है। एंड या इस बार भी उसमें बिना सर के एक और डेड बॉडी थी। एंड एट दिस टाइम उन्हें उस टोकरी से एक बार फिर से लेटर्स मिलती है। आई हैव टू रिमाइंड यू अगेन दैट फर्स्ट डेड बॉडी 20 अक्टूबर 2006 को मिली थी, जिसमें उन्हें एक पेज के लेटर्स भी मिलते हैं। सेकेंड डेड बॉडी 25 अप्रैल 2007 को मिली थी, जिसमें कोई भी लेटर्स नहीं थे। एंड अब 18 मई 2007 को अब थर्ड टाइम डेड बॉडी मिलती है, उसके साथ में पुलिस को टोटल 3 पेज के लेटर्स भी मिलते हैं। एंड अगेन लेटर्स के शुरू में ही दिल्ली पुलिस को गंदी गंदी माँ बहन की गालियां लिखी गई थी और इसके साथ साथ उसमें कुछ डिटेल्स भी लिखा था। 20 अक्टूबर 2006 को जो लाश मिली थी उस लाश का आप लोगों ने ठीक ढंग से मुआयना ही नहीं किया था, क्योंकि उसके लाश पर उसके हाथ पर अमित नाम लिखा था, लेकिन आप लोगों ने अखबार में उसका नाम तक नहीं डलवाया। इस सीसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा खूंखार और खतरनाक का उपाधि देकर इनाम रखवाने की कोशिश करो, ताकि इस खेल में कुछ मज़ा आए। ध्यान रखना, मेरे काम के लायक इनाम ज़रूर होना चाहिए,
वरना मेरी बेइज्जती होगी तो मैं तुम सबकी बेइज्जती करवा दूंगा। ये लेटर्स अखबार वालों को भी पढ़वा देना, आगे फिर तोहफा समय पर भेज दूंगा। तुम लोगों का जीजा जी और दामाद सीसी। This was clear that the person claims to have committed certain murders in the past and that he also has plans to committing some more in the future. ये जो कोई भी था ये सिस्टम को अच्छी तरह से जानता था। वो उन सब को चैलेंज करके खुद को काफी ज्यादा प्राउड फील करता था। And in the letter he also mentioned that in a year probably if I don't do 7 to 8 murders like this I can't be remaining peaceful. मैं सीसी ये बात सीना तानकर कबूल कर रहा हूँ। करीब करीब साल में 7-8 मर्डर्स हर हाल में करता हूँ, वरना मेरा दिमाग पागल होने लगता है। 6 से 7 महीनों के बीच 3 मर्डर्स करके उनके पार्ट्स को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंकना, शरीर के ज्यादातर पार्ट्स तिहाड़ जेल के गेट पर मिलना और अब तक आप किसी पर्सन को पकड़ भी नहीं सके, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है दिल्ली पुलिस को लेकर। जो पुलिस मेनली इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, 18 मई के दिन उनके साथ एक मीटिंग करने पर उन्हें इस केस से हटाया जाता है। एंड इफ यू गाइस रिमेम्बर द नेम, जिस पुलिस वाले को उस अननोन पर्सन ने 20 अक्टूबर के दिन सुबह 6:30 पर कॉल करा था, उनका नाम था सुंदर सिंह यादव। सो असिस्टेंट कमिश्नर सुंदर सिंह यादव ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 3 दिनों का टाइम और दिया जाए, हम डेफिनेटली इस केस को सॉल्व कर देंगे। तो उन्हें अब 3 दिनों का टाइम और मिल जाता है। इसके साथ ही साथ वो एक स्पेशल टीम और 2 स्पेशल गाड़ी भी डिमांड करते हैं। उस टीम में उन्हीं के मुताबिक नरेंद्र पहलवान, दिलीप कौशिक, रोहतश, वीरेंद्र त्यागी ये सारे ऑफिसर्स थे। सो सुंदर सिंह जी के टीम पर अब काफी ज्यादा दबाव थी, बिकॉज एक तो उनके पास वक्त कम था और ऊपर से प्रेस वाले उनके पीछे पड़े थे। बट इस बार इनके पास एक क्लू भी थी जो कि वो इस केस का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। 1998 में दिल्ली में एक मर्डर हुई थी, सेम पैटर्न था, विक्टिम के सर, हाथ, पैर और प्राइवेट पार्ट्स कटे हुए थे और उस मर्डर में एक बंदा अरेस्ट भी हुआ था, बट लैक ऑफ एविडेंस होने की वजह से उसे 2002 में बेल मिल चुकी थी। इसके साथ ही साथ पुलिस को एक और टिप ये भी मिलती है कि आजादपुर मंडी नाम के इलाके में एक डॉक्टर है और उस डॉक्टर के साथ स्केच से हूबहू मिलता जुलता आदमी को कई बार साथ में देखा गया है। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है, वो अपने सारे टीम के साथ आजादपुर मंडी उस क्लिनिक में पहुंचते हैं। पुलिस उस डॉक्टर को वो उसकी स्केच दिखाकर वो उनसे पूछती है कि क्या तुम इस पर्सन को जानते हो कि यह है कौन और कहां मिलेगा। और बस इतना बोलते ही उस डॉक्टर के पास एक कॉल आता है। वो जैसे ही कॉल को पिक करता है उतने में ही वो सडनली उस कॉल को कट करके नीचे रख देता है। पुलिस को उस पर शक हुआ और वो डायरेक्टली उस डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या ये कॉल उसी का था। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ये कॉल उसका नहीं था, बल्कि ये कॉल उसकी वाइफ की थी। वो उन्हें बताते हैं कि इस आदमी को मैं जानता हूँ, इस आदमी की 5 बेटियाँ हैं और 5ों की डिलीवरी मैंने ही कराई है और इसका नाम है चंद्रकांत झा। तो पुलिस अब उससे पूछती है कि तुम चंद्रकांत झा को कैसे जानते हो और तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मेरे साले और चंद्रकांत से एक दिन बहस हो गई थी, मुझे शुरू से ही पता था कि चंद्रकांत बहुत ही खराब आदमी है और तो और वो एक मर्डर के केस में जेल भी जा चुका था, इसी डर की वजह से कि वो मेरे साले को भी कुछ कर ना दे, इसीलिए वो जैसा कहता गया मैं वैसा करता गया। डॉक्टर ने बिना पैसों के चंद्रकांत के वाइफ की डिलीवरी करी, बट उसे रिसेंट मर्डर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं था। और आज शाम में जो कॉल आई थी वो उसी के वाइफ के कुछ चेकअप्स होने बाकी थे, इसीलिए चंद्रकांत अपनी वाइफ के साथ आज शाम में क्लिनिक आने वाला था। बट पुलिस तो डॉक्टर को पुलिस स्टेशन ले आ चुकी थी, इसीलिए वो डॉक्टर से कहते हैं कि चंद्रकांत को फिर से कॉल करो और कल उसे क्लिनिक फिर से आने को बोलो। सो डॉक्टर ठीक वैसा ही करता है। अब दिन था 19 मई का, आजादपुर मंडी में उस डॉक्टर के क्लिनिक के आसपास पुलिस वाले नॉर्मल कपड़ों में चारों ओर फैल जाते हैं। वो सभी लोग चंद्रकांत के आने का वेट कर रहे थे, बट काफी वेट करने पर भी चंद्रकांत उस दिन वहां पर आता ही नहीं है। तो पुलिस अब डॉक्टर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। तब उन्हें पता चला कि जिस नंबर से चंद्रकांत डॉक्टर के पास ज्यादातर कॉल करता था उसका लोकेशन अलीपुर है। सुंदर सिंह जी अपने टीम के साथ अलीपुर पहुंचते हैं और वो लोग अलग अलग होकर चारों ओर फैल जाते हैं और सारे घरों में नॉक करके उनसे पूछ रहे थे कि
क्या यहाँ पर रेंट पर कोई रहता है? दे स्पोक विथ लोकल्स बट वेरी केयरफुल नॉट टू मेंशन दैट दे वर कंडक्टिंग अ मर्डर इन्वेस्टिगेशन। बट काफी सर्च करने के बाद भी उन्हें वहाँ से कुछ भी पता नहीं चला। वो लोग अब हार मान चुके थे क्योंकि आज उनके पास इस केस को सॉल्व करने का तीसरा दिन था, मींस आखिरी दिन। एंड इतने में ही सुंदर सिंह जी को पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है। कॉल पर एक कॉन्स्टेबल उन्हें बताता है कि सर हमने डॉक्टर के साले को पकड़ा है जिससे चंद्रकांत की बहस हुई थी, और इससे पूछताछ करने पर ये बता रहा है कि चंद्रकांत के पास एक रेड़ी है जिसके ऊपर एक बड़ा सा इंजन लगा है। सो सुंदर सिंह ये इन्फॉर्मेशन अपने सारे ऑफिसर्स को पास करते हैं, और जो नरेंद्र पहलवान थे वो इसे जैसे ही सुनते हैं उतने में ही उनकी हार्ट बीट तेज होने लगती है, क्योंकि जहाँ पर वो इस वक्त खड़े थे उनके सामने एक घर था और उस घर के बगल में ही एक रेड़ी लगी थी जिस पर एक बड़ा सा इंजन भी था। नरेंद्र पहलवान अपने सारे टीम मेंबर्स को उस जगह पर बुलाते हैं और सीधा वो उस घर में इंटर करते हैं। ये है सीरियल किलर चंद्रकांत झा। 2006 और 2007 में तिहाड़ जेल के आसपास एक के बाद एक सरकटी लाशों के मिलने से खौफ फैल गया था। कातिल लगातार पुलिस वालों को फोन पर धमकी भी दे रहा था। यही चूक चंद्रकांत को महंगी पड़ी और चंद्रकांत पकड़ा गया। सो कौन था ये चंद्रकांत झा और वो अपने सारे विक्टिम्स को क्यों मारता और कैसे मारता, एंड हाउ डिड ही बिकम वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट नोटोरियस सीरियल किलर। मेरा नाम चंद्रकांत झा है। मैं बिहार के मधेपुरा का रहने वाला हूँ। मेरी माँ एक टीचर थी और मेरे पिता नहर विभाग में काम करते थे। मेरे माँ बाप ने मुझ पर, मेरी पढ़ाई पर कभी भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए गांव को हमेशा के लिए छोड़कर मैं दिल्ली में माइग्रेट करता हूँ। मैं 1990 में दिल्ली चला आया था। एक्चुअली उस वक्त ज्यादातर बिहार के लोग जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी एंड लैक ऑफ जॉब्स होने की वजह से वो किसी काम के तलाश में दूसरे शहर चले जाया करते थे, और वो सारे लोग लाइक एक स्पेसिफिक जगह पर रहना पसंद करते थे जिस जगह के आसपास उनके ही शहर के लोग हों। सो चंद्रकांत दिल्ली आने के बाद वो लेबर वाले काम करना शुरू कर देता है, और जिस सब्जी मंडी में वो काम करता था उस मंडी के मालिक का नाम पंडित था, और पंडित अपने सारे लेबर के सैलरी में से कुछ पैसे कमीशन मांगता था। सो वो अब चंद्रकांत से भी उसके सैलरी में से कुछ पैसे एज अ कमीशन के तौर पर मांगता है, तो चंद्रकांत पंडित को पैसे देने से मना कर देता है। ऑब्वियसली वो पैसे उसके मेहनत के थे, और अगर कोई आपके खून पसीनों के पैसों में से बेवजह हिस्सा मांगे तो आपको तो गुस्सा आएगा ही। तो पंडित और चंद्रकांत दोनों में ही पैसों को लेकर बहस हो जाती है। तो इतने में ही चंद्रकांत सब्जी काटने वाली छुरी से पंडित के हाथ में खरोंच मार देता है, तो पंडित उस पर कुछ और झूठे आरोप लगाकर उसे अरेस्ट करवा देता है। चंद्रकांत का कहना यह भी था कि पुलिस उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी अरेस्ट कर लेती है, और उसकी पत्नी का इन सब चीजों से तो कोई लेना देना भी नहीं था, वो तो बिल्कुल बेकसूर थी। चंद्रकांत ने ये ठान लिया था कि पंडित को किसी भी हालत में वो जान से मार कर रहेगा, और ये पंडित वही बंदा था जिसका मर्डर 1998 में हुआ था। मेरे 5 बच्चे हैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सभी अनपढ़ हैं। मैं उनके साथ अलीपुर में रहता हूँ। इसने अपने पत्नी और अपने बच्चों को अलीपुर में शिफ्ट किया था, और वो खुद हैदरपुर में एक घर रेंट पर लेकर रहता था, और इसी घर में रहकर वो मर्डर्स किया करता था। वो पुलिस को अपने कन्फेशन में उनके मर्डर्स करने का पैटर्न भी बताता है। मैं उनको अपना दोस्त बनाता हूँ, उन्हें भाई की तरह रखता हूँ, खूब खिलाता पिलाता हूँ, और फिर उन्हें अपना शिकार बनाता हूँ। वो बिना किसी हेजिटेशन के पुलिस को ये बताता है कि उसके ज्यादातर विक्टिम्स उसके दोस्त ही थे जिनके साथ वो ट्रक से सब्जियां चुराता था। वो उन्हें अपने हैदरपुर वाले घर में खाने पर इनवाइट करता था, उन्हें अपने साथ कुछ दिनों तक साथ रखता, और फिर लास्ट में उन्हें जान से मार डालता था। जो फर्स्ट डेड बॉडी 20 अक्टूबर 2006 को मिली थी जिसका मर्डर हुआ था, वो बॉडी अनिल मंडल नाम के आदमी की थी। वो अनिल मंडल को अपने घर में बुलाकर उसे कुछ दिनों तक वहीं रखता है, और फिर उसे रस्सियों से बांधकर उसके मुंह में कपड़े ठूंसकर उसे खूब स्लैप करता है, एंड देन लेटर उसका गला घोटकर उसे जान से मार डालता है। तो पुलिस अब उससे पूछती है कि तिहाड़ जेल तक तुम उन डेड बॉडीज को कैसे पहुंचाते थे, तो वो उन्हें बताता है कि मैं उनकी लाशों को काट कर
अच्छी तरह से पैक करके एक टोकरी में बांध देता था और उनके साथ में 9 से 10 और टोकरियां होती थी जिसमें सब्जियां रहती थी। उन सभी टोकरियों को मैं अपने रेड़ी पर रखता था और ठीक सुबह 3 से 4 के बीच मैं घर से निकल जाता था। तिहार जेल के गेट नंबर 3 पर एक टोकरी जिनमें डेड बॉडी होती उसे वहीं छोड़कर मैं चला जाया करता था। तो पुलिस अब उससे पूछती है कि तुम उन डेड बॉडीज के सर को क्यों काट देते थे और उनके सर अभी है कहाँ। तो चंद्रकांत उन्हें बताता है कि मैं उनको मारने के बाद अपने पाप को धोने के लिए मैं उनके सर को यमुना नदी में फेंक देता था। और जो सेकंड डेड बॉडी 25 अप्रैल 2007 को मिली थी वो मर्डर उपेंद्र नाम के आदमी का हुआ था। उपेंद्र को भी उसने खाने पर इनवाइट किया और उसे भी जान से मार डाला। और उसने ये भी बताया कि जब उपेंद्र की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी तब वो वहीं पर था, उसी ने अपने जेब से छुरी निकालकर उन रस्सियों को काटा था। पुलिस अब उसे ये पूछती है कि तुम उन सारे डेड बॉडीज को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर ही क्यों डालते थे। तो उसने बताया कि जब वो जेल गया था तब कांस्टेबल बलबीर उसके साथ खूब ज्यादती करता था, यहाँ तक कि उसे नंगा करके खूब पीटता भी था। इसीलिए उसे परेशान करने के लिए जहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी रहती थी वहीं पर वो उन डेड बॉडीज को फेंक देता था। एंड द लास्ट वन वॉज अ बॉय नेम दिलीप, ही वॉज स्टेइंग विथ चंद्रकांत फॉर 15 to 16 डेज एंड एट द एंड वो उसे भी जान से मार डालता है। आगे फिर तोहफा समय पर भेज दूंगा, तुम लोगों का जीजा जी और दामाद सीसी। इंट्रोगेशन में जब पुलिस उससे पूछती है कि तुम ये बार बार सीसी क्यों लिख रहे थे, इसका मतलब क्या है, तो उसने कहा कि मैं अपने आप को चांद समझता हूँ और सीसी का मतलब ही था चांद ही चंद्र। चंद्रकांत झा उन तीनों मर्डर्स के साथ साथ और भी कई सारे मर्डर्स करने का वो कन्फेस करता है। उसने बताया कि 1998 में उसने पंडित को मारा था, 2003 में सिकर और उमेश को एंड 2005 में गुड्डू नाम के आदमी को भी उसने जान से मारा था। पुलिस के पास अब उसके कन्फेशन रिकॉर्ड्स तो थे ही बट इसके साथ होने कुछ प्रूफ भी चाहिए था जिससे ये साबित हो सके कि उन सभी का मर्डर्स चंद्रकांत ने ही किया था। क्योंकि चंद्रकांत कोर्ट में ये भी बोल सकता था कि पुलिस वाले ने उसे मार पीट कर जबरदस्ती उसके कन्फेशन रिकॉर्ड करवाए, तो इसीलिए पुलिस सबूत जुटाने निकल जाती है। पुलिस चंद्रकांत को यमुना नदी के उस लोकेशन पर चलने को बोलती है जहां पर चंद्रकांत सर को काट कर फेंका करता था। सो पुलिस अब यमुना नदी के उस लोकेशन पर हेड को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है पर वो नाकामयाब थे, उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। तो इसके बाद पुलिस उसे बोलती है कि तुम हमें अपने हैदरपुर वाले घर में लेकर चलो, बिकॉज जब पुलिस ने उसे पकड़ा था तब वो अपने अलीपुर वाले घर में था। सो पुलिस जब उसके हैदरपुर वाले घर में जैसे ही एंटर करते हैं तब उन्हें 3 बड़ा छुरा रखा हुआ मिलता है विच वॉज कम्प्लीटली कवर्ड विथ ब्लड और अंदर पूरे रूम के दीवार पर खून के छींटे लगे हुए थे। और उन्हें वो सेल फोन भी वहां से मिला था जिस फोन से वो ज्यादातर डॉक्टर को कॉल किया करता था। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज पुलिस को उस रूम से एक कैमरा भी मिलता है। चंद्रकांत है फैसिनेटिंग विद फोटोग्राफिंग, वो अपने विक्टिम्स को मारने से पहले रस्सियों से उनके हाथ पैर को बांध कर वो उनके साथ फोटोज लेता था। एंड फाइनली इतने सारे सबूत काफी थे चंद्रकांत को सजा दिलवाने के लिए। मैं मीडिया से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग गलत खबर क्यों छापते हैं? नहीं, ये बताओ कि आप मेरे पहले सवाल का जवाब सच बताओ। मैं तो सच ही बता रहा हूँ शुरू से। सच क्या है? पहले आप ये बताओ, हमारे सवाल का जवाब दो कि आप लोग हमसे पूछे मैं कहाँ से पकड़ा हूँ ये आपको मालूम है? मुझे मालूम है, कहाँ से पकड़ा हूँ ये आपको मालूम है? चारों कत्ल क्यों किए थे? कत्ल हो सकता है, हमने 4 से भी ज्यादा किया हो, आपको कैसे मालूम 4 ही है? तो बताओ, डिटेल बताओ अपने बारे में कुछ। तो वो मैं कोर्ट को बताऊंगा, आपको बताऊंगा। तो फिर मीडिया चंद्रकांत झा वाज चार्ज विथ 8 मर्डर्स बट ओनली 3 वेर कंसेक्यूटिवली प्रूवन इन 2013। उसके ऊपर अनिल मंडल, उपेंद्र और दिलीप ये तीनों के मर्डर्स प्रूव होने पर उसे टोटल 2 डेथ सेंटेंस सुनाई जाती है
और इसके साथ साथ उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई जाती है। बट चंद्रकांत इसके कुछ दिनों के बाद कोर्ट में ये अपील करता है कि उसकी सजा कम कर दी जाए, एंड आई डोंट नो व्हाई उस पर से फांसी की सजा हटाकर उसे सिर्फ लाइफ टाइम के लिए ही जेल में डाल दिया जाता है। चंद्रकांत झा अब अपनी उम्र कैद की सजा तिहाड़ जेल में काट रहा है। सो या दिस वॉज द केस ऑफ चंद्रकांत झा, एंड आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यू कैन ऑल्सो टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस इन द कमेंट्स। दिस इज रक्षान साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब किया ना? ओके, ध्यान रखना खुद का। बाय।